हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ मानसी एंड स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज का रिएक्शन वीडियो है आशीष चंचलानी के न्यू वीडियो दी डीलर एसीवी हटके। आई थिंक एसीवी का मतलब है आशीष चंचलानी वाइंस। तो मैंने काफ़ी तारीफ सुनी है इस वीडियो की एंड जब से आया तब से ट्रेंडिंग वन पे ही चल रहा है यूट्यूब पे। एंड काफ़ी मतलब ऐसा, जैसा कि पहले बताया भी था आशीष चंचलानी की, थोड़ा सा ये हटके होने वाले हैं उनके बाकी के वीडियोस से। तो इसके लिए तो पहले देख लेते हैं कैसा है वीडियो, फिर करेंगे बाकी की सारी बातें, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा है। तो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं रिएक्शन वीडियो। अरे कैंसिल ही करना होता तो बुकिंग क्यों लेते हो तुम लोग, मरा जाके। थर्ड क्लास कैब सर्विस। भैया लोखंड वाला चलोगे? जाएंगे मैडम, जिधर बोलोगे उधर जाएंगे। आओ बैठो। अरे मैडम, पीछे का दरवाजा लॉक है, काम करो आप आगे आ जाओ, आगे बैठो, कंफर्टेबल है। अच्छा बढ़िया है, चलो। क्या मैडम, बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ है क्या? इसको बड़ा इंटरेस्ट है जानने में। चलो अच्छा है, और अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो और भी अच्छा है, रास्ता खाली है। मतलब आज रास्ता खाली है, वैसे क्या ट्रैफिक होता है ना मैडम। अब ट्रैफिक हो या नहीं हो मैडम, मैं तो घुस जाता हूँ हर जगह। मैडम मुंबई में ना गर्मी बहुत बढ़ गई है, ऊपर से आप आके गाड़ी में बैठ गई। मैं होती है चप्पल से पीटती, और ऊपर से गाड़ी भी नॉन एसी, वैसे एसी भी क्या उखाड़ लेता मैडम। देख के चला ना। देख के तो चला रहा हूँ मैडम। तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूती है, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हफ्ता रहेगा। और क्या लिखा है तूने चैट पे, हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? तुम भड़वों को मैं पाल रही हूँ और तू मुझे बताएगा धंधा कैसे चलाते हैं, हैं? God. अभी पब्लिक एक पूरी के लिए अंदर जा रही है, तू चाहता है मैं व्हाइट पाउडर 1 kg लेके घूमू अखा बॉम्बे में? किधर घुसा के रखा तूने अक्कल अपना? अवश्य आदत देखो। कहाँ पहुंचे, कहाँ पहुंचे? एक चमन चूतिए, तुझसे पूछ रही हूँ कहाँ पहुंचे, बताएगा? हाँ मुरली के एरिया में हूँ मैं। बेचारा, रुक गिनने दे मुझे। ए गांडू, तेरी औकात नहीं गिन रही हूँ जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए। टोटल 3 पेटी है मेरे पास, मिलके देती हूँ, जाके उस विक्की को दे देना। वो चूजा हम मुझे पैसे नहीं देगा, उसकी गोटी दबाऊंगी ना, उसका बाप भी इधर पैसा हक के जाएगा, समझा? अच्छा वो अपने नए माल का सैंपल आया, मतलब ये माल भी मैं ही जाके पहुंचाऊं। बहन रुक 1 मिनट, पूरा लोड करके रखा है बैग में। ओहो, अभी कोई पटाखा बजाएगा ना सबको उड़ा के आऊंगी मैं। अब कापा हाथ, अब गाना गा घर पे तेरा। अभी मैं कैसे फंसूंगी रे, ना मैं उतरने वाली हूँ ना अपनी गाड़ी में आई हूँ, मैं कैसे फंसूंगी?
से गलती मत कर। एक काम कर, तू लगा फोन, लगा लगा बिंदास लगा, जिसको भी लगाएगा ना सब अपनी जेब में ही है, लगा। और वैसे भी जो भी अपने बीच आया है ना, मारा है मारा है मारा है। हाँ बोल। अरे कुछ नहीं, कोई दर्जी है क्या अपने पास? किसी की फट गई है इधर। अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और हाँ, उसको बोल देना कोई वो जो ये पिज्जा डिलीवरी बॉय का यूनिफॉर्म वगैरह होता है ना, वो सब डाल के है। अच्छा। वो क्या है ना, सेक्शन गरम चल रहा है ना आजकल, अपने पे शक नहीं पड़ना चाहिए। right. और हाँ, कोल्ड ड्रिंक भी भेजना जरा। नहीं वो क्या, अपने ड्राइवर को ना बहुत गर्मी लगती है। हाँ मैं बैठी हूँ ना गाड़ी में, अब एसी भी क्या उखाड़ लेगा। क्यों है ना, बता। ए चोमू, इधर साइड में चौक पे लगा, दबा के लगा ना अंदर ठीक से, इधर पुलिस बहुत आती है। हाँ वो डिलीवरी वाले छोकरे का नंबर भेज और उसको बोलना खाचे नंबर से मैं कॉल कर रही हूँ उसको। हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। और हाँ यूनिफॉर्म वगैरह पहना है ना ठीक से? हाँ अच्छा, एकदम ऐसा डिलीवरी बॉय लगना चाहिए। और आगे पीछे देख, बाजू में पुलिस तो नहीं आ रही है। और हाँ थैंक यू वैंक यू बोलना अच्छे से, आ जल्दी। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। आ गया माल डब्बे के। चल किसके लिए रुका है, मंगवाऊं तेरे लिए भी पिज्जा? हैव अ नाइस डे पांडे, क्या बात है। हाँ मॉडर्न गंजेड़ी पाल के रखे तूने। ए सुअर, इंग्लिश बोलनी आती है? यस मैडम। क्या बात है, गाड़ी ठीक ठाक चलाता है। और पता है क्या बोल रहा था कि ट्रैफिक नो ट्रैफिक कहीं भी घुस जाता है और हम कहीं भी घुसा देते हैं। बेचारे आशीष की जवानी पर चौकी पड़े। ए चोमू, चप्पल ठीक कर रही थी गाड़ी जरा, तू क्या सोचा मैं भूत हूँ? हाँ हम क्या इधर आखिरी सफर खेल रहे हैं? गाड़ी चला। सॉरी गाड़ी का लास्ट सीट ये था, अभी भी देखना नहीं छोड़ेगा। ए आगे देख। सॉरी सॉरी मैडम। मैडम क्या माहौल है, कस्टमर पागल हो जाएगी पागल। ए क्या बोल रहे हो तुम लोग, पहले ध्यान नहीं गया क्या? ए गाड़ी रोक, गाड़ी रोक इधर। ए तू तो गया। क्यों मैडम? अभी जब हम लोग गए थे ना उधर सीसीटीवी कैमरा था। चुप, तू ना 10-15 दिन के लिए यहाँ से कल्टी हो जा, गुम हो जा तू, ठीक है? यहाँ रहेगा ना तो पुलिस तेरे को पकड़ेगी, पुलिस के सामने मुंह खोलेगा तो मैं तेरे को खोलेगी, तो तू निकल जा यहाँ से, गाड़ी इधर छोड़ के जा। मैडम गाड़ी गाड़ी कैसे छोड़ के जाऊंगा, मैं लाचार आदमी। लाचार आदमी, लाचार आदमी। काम कर, चल मेरे घर चल ना। आता है या मैं, रुक रुक इधर फट्टू। हेलो, हाँ मैं माल लेके पहुंच गई हूँ, कहाँ आना है? माल तो ठीक है, थोड़ा ठंडा हो गया, घर पे आवन है क्या? अरे क्या चूतिया बनाया ना, जैसी साले ने लाइन क्रॉस की ना तो मैंने डिसाइड कर लिया। घर पे तेरे आशिक खड़ा है। चुप चूतिया, कुछ बोल नहीं रही हूँ तो मुझसे हकता रहेगा? सही बात। और क्या लिखा है तूने चैट पे, हैं? क्या लिखा है कि मैं जाके माल दूंगी? और फिर मैंने सोचा घर पहुंचने में टाइम है ना, तो थोड़ा खेल और खेला जाए। तेरी औकात नहीं गिन रही हूँ जो 2 सेकंड में खत्म हो जाए। हाँ टोटल 3 पेटी है मेरे पास। तेरी लड़की निकली।
पूरा लोड करके रखा है बैग में, अभी कोई पटाखा बजाएगा ना सबको उड़ा के आऊंगी। और फिर मैंने ऐप से पिज्जा ऑर्डर किया। अच्छा सुन, उसको बोल सैंपल पिज्जा बॉक्स में पैक करके लाए, ठीक है? और फिर जब मैंने एक्चुअल में पिज्जा वाले को फोन किया, हाँ मैं बरखा बोल रही हूँ, मैं बाहर टैक्सी में बैठी हूँ। हाँ यूनिफॉर्म वगैरह डाला है ना बराबर? हाँ, किसी को शक नहीं होना चाहिए, इधर उधर देख तू। थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे। और फिर बस सुन सुन सुन, मैंने क्रेडिट कार्ड निकाला। ए आगे देख। सॉरी मैडम। हाय साहब, भयंकर वाला पागल ब्रदर गई उसको। क्या माहौल है, कस्टमर पागल हो जाएगी पागल। ऐसा मजा चखाया कि जिंदगी भर किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा, अपनी बीवी को भी बहन बना के घूमेगा। सही किया। यहाँ पर वुमेन सेफ्टी इतना बड़ा मजाक बन के रह गई है कि सो वी थॉट वी शुड डेफिनेटली मेक अ वीडियो टू शेड लाइट ऑन दिस इशू। एंड मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं कि इस वीडियो में मैंने जो दिखाया है, जो मैंने किया है, उसे रियल लाइफ में, आप इतने बेवकूफ तो हो नहीं तो उसे रियल लाइफ में रिपीट ना करना। प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर। सही बात है ना? सही बात। एंड आई वांट थैंक बरखा सिंह हु जॉइंड मी इन दिस वीडियो टू क्रिएट दिस एसीवी हटके वीडियो। बहुत मजा आया, सच पे मजेदार था, मतलब वाओ, जस्ट अमेजिंग वीडियो ये था। मतलब मुझे ऐसा लगा जब शुरुआत में वो आया ना आशीष चंचलानी का रोल और वो एक पुंडा मवाली ड्राइवर वाला रोल जो प्ले कर रहा था, कि ओके इस बारी हट के, मतलब इस बारी कॉमेडी वाइन से हट के शायद आशीष चंचलानी थ्रिलर या कुछ इस तरह से कहीं कोई और स्टोरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। बट यार आशीष चंचलानी है वो, मतलब उसमें कॉमेडी का टच ना दे कहीं पर ऐसा हो ही नहीं सकता। एंड टू बी ऑनेस्ट, सॉरी, एंड टू बी ऑनेस्ट सच में बोलूँगी कि इस पूरे होल वीडियो में 90% पार्ट था जो वो लड़की का था, और उसे इतना बखूबी बरखा सिंह, आई थिंक ये कोई, इसका नाम मैंने पहले भी कई जगह पर सुना है, अच्छी एक्ट्रेस है, मैंने कहीं देखा है कि जगह पे किसी वीडियो में इनको, तो बहुत ही अच्छा वीडियो। मतलब जो जिस तरह से उसे सारे वो लैंग्वेजेस बोली हैं, कुछ गालियां हैं, जिस तरह से अपने एक्सप्रेशंस दिए हैं, पूरा मतलब एकदम टोटल ये बोलूँगी कि पैसा वसूल परफॉर्मेंस इस लड़की ने दिया है। बल्कि आशीष चंचलानी का काम तो बस शुरू का एक मिनट के वीडियो में था, और बाकी टाइम बस डर रहा था उससे। तो ये पूरा जो वीडियो है उसकी लाइमलाइट बरखा सिंह लेकर गई है, एंड बहुत ही अच्छे एक मैसेज के साथ पूरा वीडियो गया है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इस तरह का जो लड़की ने किया वो किसी गरीब टैक्सी वाले के साथ करो या किसी ऑटो वाले के साथ करो, लेकिन उस सिचुएशन में जहाँ पर वो आदमी गलत था, उसके साथ कुछ गलत हो सकता था अगर वो अपना दिमाग नहीं लगाती तो उस सिचुएशन में काफ़ी अच्छा काम वहाँ पर उस लड़की ने किया है। बट कहीं पर भी बिना वजह ऐसी चीज़ों को नहीं दोहराना चाहिए। अगर आपके आगे कोई ऐसी मुसीबत आती तो ज़रूर इस तरह से आप अपना दिमाग लगाइए, ज़रूरी नहीं कि हाथ पैर मार के ही आप बच सकते हो। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत कमाल की चीज़ होती है गाइस, अगर इसको लगाओगे ना दिमाग को तो आप बहुत आसानी से किसी भी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर सकते हो, जैसा कि बरखा ने किया। मतलब चलाता था लड़की को डराने के, और खुद ही लास्ट में अब बेटा खड़ा है तेरे घर पे ऐसी खड़ा है। तो मतलब बहुत अच्छा वीडियो था, अनएक्सपेक्टेड वीडियो था, सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। एंड सबसे बेस्ट होता जब वो नीचे झुकती और बोलती कि चप्पल टिक करी थी, आखिरी सफर थोड़ा ना खेल रहे हैं। आखिरी सफर आपको पता होगा कि आशीष चंचलानी का जो भूत वाला था जिसमें लास्ट में लड़की उसको पागल बनाए थी है। तो ओवरऑल बोलूंगी गाइस कि सच में काफी अच्छा वीडियो है, सोशल मैसेज के साथ है कि कोई भी हो, कभी भी किसी गर्ल लड़की को अकेले देखकर ऐसे उसके साथ गलत काम करने की मत सोचो। एंड जैसा कि इसमें दिखाया गया कि कोई भी टैक्सी अगर आती है, कोशिश कीजिए कि आप ऊबर या वैसे तो अच्छा कहीं पर भी सेफ नहीं है, बट आप किसी ऐसे ऐप के थ्रू ही टैक्सी वगैरह बुक कीजिए जो कि आप सेफ हो, जहाँ पर कोई आपको ट्रैक कर सके। तो ओवरऑल ये बोलूँगी गाइस कि काफ़ी 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 अच्छा वीडियो है, ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी बड़ा वीडियो है।
तो गाइस इतना मेरा रिएक्शन इस वीडियो के ऊपर, होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो वीडियो तो प्लीज मेक श्योर हिट द लाइक बटन, एंड अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब करें बगैर भी मत जाइएगा। तो मिलती हूँ गाइस आप लोग को किसी और वीडियो में किसी और वीडियो के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए एंड सेफ रहिए।